मनोहरपुर रेल परिसर स्थित सब्जी मार्केट को हटाने का निर्देश। हटाने से पूर्व विस्थापित सब्जी विक्रेताओं को जिला पंचायत उपाध्यक्ष रंजीत यादव ने रेल प्रशासन से वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर। मनोहरपुर रेलवे स्टेशन को मॉडल स्टेशन बनाने की कवायद शुरू हो गई। इस बाबत निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। जहां वर्तमान रेल परिसर स्थित सब्जी मार्केट है, वहीं पर रेल प्रशासन द्वारा नए भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसलिए निर्माण कार्य को देखते हुए रेल प्रशासन को खाली जमीन की आवश्यकता है, इसलिए उक्त सब्जी मार्केट को वहां से हटाने का निर्देश जारी किया गया है, जिससे वहां के स्थानीय दुकानदार सब्जी विक्रेता वर्षों से उक्त सब्जी मार्केट से जुड़े हुए हैं। ऐसे में उन लोगों के समक्ष अपनी आजीविका के छिन जाने से गहरे सदमे में है। इसे देखते हुए शुक्रवार को जिला परिषद उपाध्यक्ष रंजीत यादव ने मनोहरपुर रेलवे स्टेशन अधीक्षक शैलेंद्र कुमार से मुलाकात की तथा वर्तमान सब्जी मार्केट को वहां से हटाने से पहले उन सभी दुकानदारों, सब्जी विक्रेताओं व आम लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उक्त सब्जी मार्केट को रेलवे के अन्यत्र खाली स्थानों पर लगाने का उन्होंने कही। विदित हो कि रेल परिसर स्थित सब्जी मार्केट में मनोहरपुर आनंदपुर प्रखंड के अलावा उड़ीसा सीमांचल क्षेत्र से काफी संख्या में सब्जी विक्रेता कारोबारी यहां आते हैं। उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में रेलवे क्रॉसिंग के समीप सागवान बागान मैदान में सब्जी बाजार लगाने का स्थानीय रेल प्रशासन के अधिकारियों को सुझाव दिया है। वहीं स्टेशन अधीक्षक व IOW कर्मियों ने जिला पंचायत अध्यक्ष रंजीत यादव के सुझाए गए स्थल का निरीक्षण किया तथा इस समस्या का अतिशीघ्र समाधान करने का भरोसा दिलाया।